वीडियो में हम सीखेंगे कि फ़िल्टर या ऑटो फिल्टर का यूज़ हम कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम किसी स्कूल में अगर वर्क कर रहे हैं तो कैसे किसी स्टूडेंट्स के हम रोल नंबर्स के साथ से सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ से उनका टोटल परसेंटेज डिवीजन और ग्रेड निकालेंगे। आइए इसी रिकॉर्ड पे इसी डाटा पे हम जो फिल्टर करना सीखेंगे। कैसे हम इस रिकॉर्ड से जो या टोटल रिकॉर्ड में से किसी रिकॉर्ड को बाहर करेंगे या फिल्टर करके निकालेंगे बाहर से, तो इसके लिए सबसे पहले आप पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लें। रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के बाद जो आप होम मेनू के जो शॉर्ट एंड फिल्टर नामक विकल्प पर क्लिक करें और इसके अंतर्गत दिए हुए फिल्टर नामक कमांड्स पर क्लिक करें या कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल को दबाएं। ऐसा करते ही प्रत्येक कॉलम के ऊपर से आप देखेंगे जो टॉप में जो ऑटो फिल्टर नामक का विकल्प बन गया है। ये बटन ही जो आपके मनचाहे रिकॉर्ड को जो बाहर लाएगा इस पूरे रिकॉर्ड में से। चलिए हम ये देखना चाहते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट डिवीजन से हैं। तो मैंने कहा कि आप डिवीजन पे क्लिक करें, डिवीजन के जो फ़िल्टर बटन जो बने हुए हैं और इसमें दिए हुए टेक्स्ट टू फिल्टर में यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का चेकबॉक्स देख सकते हैं आप लोग, जिसमें पूरा रिकॉर्ड सिलेक्टेड है और सभी रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर। अगर हम चाहते हैं कि केवल फर्स्ट को देखें तो आप सेलेक्ट चेकबॉक्स को यहाँ से हटाएं और फर्स्ट चेकबॉक्स पे केवल जो है सिंगल एक चेकबॉक्स पे क्लिक करें और ओके कर दें। इस प्रकार आप देखेंगे जो कि टोटल रिकॉर्ड यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे आपको स्टेटस बार में दिख रहा है, 3 रिकॉर्ड में से जो है 2 रिकॉर्ड ही आपको फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर दिखा रहा है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि सेकेंड डिवीज़न देखें तो आप सेकेंड पर क्लिक करें, फर्स्ट वाले चेकबॉक्स को आप यहां से हटा दीजिए और जब ओके करेंगे तो आपको केवल सेकंड डिवीजन के रिकॉर्ड्स है फिल्टर होके दिखाई देंगे। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों आए तो आप सेकंड पे लगा हुआ ट्रिक है फर्स्ट पे भी क्लिक कर दें और फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आप ओके बटन पे क्लिक कर दें। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी 10 रिकॉर्ड में से 8 रिकॉर्ड हैं जो फर्स्ट हैं और सेकेंड है। इसी तरह अगर हमको नेम कॉलम के तहत रिकॉर्ड को फ़िल्टर करना है तो हम फिल्टर कर सकते हैं, इसके पहले कि हम सभी रिकॉर्ड को शो कर दें यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके ओके करें। अब आते हैं हम नेम वाले कॉलम पे और नेम कॉलम पे जाकर जाएं जिस रिकॉर्ड को हम देखना चाहते हैं उसके नाम के तहत हम उस पर क्लिक करेंगे। पहले तो सबसे पहले सेलेक्ट ऑल को क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना होगा और फिर अजय या अमन या जिस रिकॉर्ड को हम देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके हम ओके करेंगे। केवल वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जिसको मैंने यहाँ से फ़िल्टर से सेलेक्ट कर रखा है। इसी तरह हम चाहते हैं अंकित रिकॉर्ड दिखे जाए तो अंकित का रिकॉर्ड आपको दिखेगा, अजय का भी साथ में दिखेगा। अगर हम चाहते हैं कि सब दिखे तो फिर पुनः आपको जो है सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पे विकल्प पे क्लिक करके ओके करना होगा। तो इस तरह मैंने आपको बताया जाए कि आप कैसे जो है किसी रिकॉर्ड में से आप अपने मनचाहे रिकॉर्ड को फ़िल्टर करोगे, कैसे आप छानोगे। अगर आप चाहते हो कि पुनः हम फ़िल्टर बटन जो हमने अप्लाई किया है उसको हटा दें तो आप सिलेक्शन करने के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर बटन पर क्लिक करके फ़िल्टर पर दोबारा क्लिक करें। दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में हम कैसे रिकॉर्ड को फ़िल्टर करेंगे, कैसे छानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।